वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी मैं देहरादून में हूँ और देहरादून में क्या कर रहा हूँ आपको पता है? देख सकते हो आप, राम झूला और लक्ष्मण झूला को कवर करने आया हूँ। तो बस चलते हैं नीचे और यहाँ की जो भी हिस्ट्री और जो भी डिटेल्स होगा आपको हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको हम बताएं। और यहाँ का जो भी कल्चर है, जो भी कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, कैसे लोग यहाँ पे, बहुत सारा ऐसा चीज़ जो आपको नहीं पता है, जैसे यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होता है, तो यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह के लिए बहुत सारा ऐसा मतलब एजेंसी है, मतलब एजेंट वगैरह है, वो लोग करवाते हैं। तो नीचे चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। और राम झूला ना जस्ट थोड़ा सा आगे है राम झूला, तो अभी हम चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ और इस नए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना ऋषिकेश का नज़ारा भाई साहब, क्या ही नज़ारा है। भैया टोपी कितने का है? 150 का टोपी गाइस, 150 रुपये कोई भी है गाइस, 150। भैया बैग कितने का है? 500 का बैग कोई भी है क्या भैया इसमें से? ये ऊपर का ये भी ये 500 का है, छोटा वाला 400 का, ये भी 500 का। माता जी कितने का ये? 100 रुपए का गाइस, ये तो बढ़िया है यार, 100 रुपए का। लो यहाँ से ले लो। और ये छोटा वाला तो बज ही नहीं रहा, ये तो सामान यहाँ पे मिलता है गाइस। लीची कितने का दे रहे भैया? 50 रुपए। कौन सा लीची है? मीठा लीची, यहाँ का लोकल लीची है। यहाँ का लीची इधर 1000 का है। ये कितने का है? ये कितने का है? छोटा वाला 200 का और बड़ा वाला 1000। वो कितना बड़ा होगा? तो जैसे आप लक्ष्मण झूले के साइड से एंटर करोगे तो ऐसे आपको ये मंदिर आपको पड़ेगा जो 1990 में इसका स्थापना हुआ। सो यही है वो राफ्टिंग बोट जो मुझे लगता है कि राफ्टिंग हो के वापस आ रहा है। अरे बाप रे, भाई 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 भाई, ओ भाई क्या ही नज़ारा है, क्या ही नज़ारा है, वाह। सो गाइस हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे लक्ष्मण झूला है, आगे से ठीक उधर साइड पे। और इस जगह पे राफ्टिंग होता है, राफ्टिंग का जो चार्जेस है 1030 या मतलब 1000 के आसपास, 1000 के ऊपर ही होगा। तो आइए राफ्टिंग का लुक उठाते हैं, कर तो सकते नहीं है बिकॉज अपने पास इतना सारा सामान है ना, उसको रखने का फिर इशू हो जाएगा। अगर करना चाहे तो वो लोग करवा तो देंगे, सामान रख तो देंगे, पर मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं है करने का। तो देख सामने दिखाते हैं आपको राफ्टिंग का कुछ व्यू। जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे राफ्टिंग होता है, राफ्टिंग का तो मैंने चार्जेस बताया था शायद, अगर नहीं बताया हो तो मैं बता दूं, 1000 रुपये से ऊपर ही राफ्टिंग का पर पर्सन का चार्ज लगता है। और ये रहा यहाँ का कुछ व्यू, लक्ष्मण झूला ठीक इसके जस्ट राफ्टिंग वाले के जस्ट इस साइड में पड़ता है इस जगह पे। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूँ एक सेकेंड।
वो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा वहाँ पे सामने ये। तो अभी अपने को इस जगह पे चलना है और भैया से मैंने यहाँ कुछ फोटोज ले लिया क्योंकि मैं तो आया था अकेले, तो भैया से मैंने फोटो लिया। कहाँ से भैया? अच्छा आप यहीं से, तो मतलब लोग को मैं भी चाहता हूँ यहाँ पे आके मस्त विजिट, काफ़ी यहाँ की लोकेशन देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हर वादियाँ, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं सब कहता हूँ कि आप जरूर आइए। नहीं, यहाँ का कल्चर हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ का। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये शॉर्ट्स नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। देहरादून आओ, लक्ष्मण झुलाओ, यहाँ कल्चर देखो, और फिर तब जज करना कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए। तो बस इस बात का खुशी मेरे अंदर ये है कि बहुत सारा ऐसा, मुझे भी बहुत अच्छा ऐसा कुछ देखने को मिला है ना कि जो मेरे शहर में तो कतई नहीं होता है वो चीज़। और मेरे शहर में क्या, हम तो दिल्ली में भी नहीं देखे ऐसा कुछ। चलो ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को और आगे आपसे मिलते हैं। थैंक यू भैया। सो गाइस, जिस पल का इंतजार कर रहे थे, लक्ष्मण झूला जस्ट इस रास्ते में है, लक्ष्मण झूला। और चलते हम लोग लक्ष्मण झूला की तरफ और आपसे मिलते हैं सीधा झूले के पास। सो गाइस, जिस पल का इंतजार कर रहे थे और वीडियो को ज़्यादा बोर करते हुए हम भी टाइम पास करे जा रहे थे, और जिस पल का आप लोग इंतजार कर रहे थे लक्ष्मण झूला का मेरे पीछे, बट डिसअपॉइंटेड की बात ये है, बंद है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि आप लक्ष्मण झूला जा तो रहे हो पर वो बंद है, तो मुझे लगा कि कम से कम इतना दूर आए हैं तो एटलीस्ट कम से कम वो बंद का गेट भी तो देख लें। तो ये रहा सामने तीर्थ नगरी के आगमन हेतु आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये रहा, यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है कि अगर आप फोटो वगैरह लेते हैं तो उसका चार्जेस लिया जाएगा, 50 रुपये पर चार्जेस ऐसा कुछ है। तो आप लोग यहाँ पे आके फोटो वगैरह वीडियो वगैरह ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही है, तो चलिए आगे चलते हैं इस गेट के लास्ट तक। और जब यहाँ आ गए हैं तो थोड़ा आगे तक तो आना बनता है, कम से कम इस गेट को टच कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें हमारी बहुत बड़ी। तो ये रहा लक्ष्मण झूला का गेट जिसको हमने टच कर लिया है, तो मन के अंदर तो ये भी खुशी है। भैया ये कब बंद हुआ था? 2 महीने से बंद है। सही बोल रहे थे लोग कि 2 महीने से बंद है, 100 साल पुराना ब्रिज था ये और आज बंद है। तो पता नहीं यार, कुछ केबल वगैरह का कुछ मिस वो हुआ था, देख सकते गाइस इतना मोटा मोटा केबल्स है, इसी में कोई केबल्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया था जो इस झूले को बंद कर दिया गया है। अब इस झूले का एक ओवरव्यू आप लोग देखो, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अब बात करते हैं यहाँ के कुछ हिस्ट्री के बारे में। माना जाता है कि पुराणों में कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इस ब्रिज को 2 रस्सियों के सहारे क्रॉस किया था, और आज ये 100 साल पुराना ये जो ब्रिज बना था वो ब्रिज आज टूट चुका है, जिसका रिपेयरिंग किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पर ब्रिज को फिर से रिपेयर किया जा रहा है कि फिर से हम लोग जैसे लोग यहाँ आकर डिसअपॉइंट ना हो और इस ब्रिज को फिर से वापस फिर उसी फ्लो में हम लोग उस पर ट्रैक कर सकते, हम लोग उस पर चल सके। तो ये था। और हाँ, एक चीज़ और, इस ब्रिज का जो लंबाई है ना वो 450 फीट का है, और ये ब्रिज नदी से 70 फीट के हाइट पे बसा है, मतलब 70 फीट का हाइट है नदी के ऊपर से इसका। तो ये रहा कुछ यहाँ का डिटेल्स, और इससे आगे अगर कुछ जानना है लक्ष्मण झूले का, आशा करते हैं कि आपको देख के अच्छा ही लगा होगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बस यही था यहाँ का ब्लॉग, अगर चैनल पहली बार आए हो
सब्सक्राइब करना मत भूलना। करते हैं इस वीडियो को एंड, और फिर किसी जगह पे, फिर किसी नए शहर को एक्सप्लोर करते हुए मैं आपका दोस्त सोनू फिर मिलेगा आपसे। तब तक के लिए टेक केयर और साइनिंग ऑफ।